हेलो भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी को नमस्कार। हमारे परफेक्ट एजुकेशन 7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक एग्रीकल्चर BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कीट जाल फसल है। भिंडी एक जाल फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मृदा में लगभग खनिज पदार्थ पाए जाते हैं 45%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित है। झोंका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्लास्ट वायुजनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पादप रोग विज्ञान के जनक हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक एंटोन डी बेरी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य UP है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाग रोपण की सस्ती एवं अच्छी विधि है। देखो, इसका आंसर मुझे पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, सोलेनम ट्यूबरोजम किस फसल का वानस्पतिक नाम है। आलू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, टमाटर के लिए लाल रंग का कारण है। लाइकोपिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पूसा चेतकी किस फसल की किस्म है। पूसा चेतकी मूली की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आवरणात्मक शाकनाशी है। पैराक्वाट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दो मुख्य फसलों के बीच में उगाई गई कम अवधि वाली फसल जानी जाती है कैच फसल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सम्मिलित रूप से ए और बी संस्तर जाने जाते हैं सोलम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, क्ले कणों का आकार होता है। क्ले कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रथम पादप जीवाणु रोग को प्रतिवेदित किया था टीजे ब्यूरिल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मूंगफली के टिक्का रोग का सर्कोस्पोरा की सबसे नुकसान वाली स्पीशीज है। इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं, आप लोग कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, माल फॉर्मेशन संबंधित है आम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिंचाई जल के साथ उर्वरक का प्रयोग कहलाता है फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, खटकोण पद्धति में वर्गाकार विधि की तुलना में पौधे लगते हैं 15% अधिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है CH4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हरित क्रांति संबंधित है गेहूं से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फाइलेरिस माइनर एक महत्वपूर्ण खरपतवार है गेहूं का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अम्लीय मृदा का pH 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, पौधों के लिए कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं 17। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? नालम रस्का ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मोजेक रोग का कारण है? मोजेक रोग का कारण विषाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है सियारा स्टेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मक्का प्रोटीन है जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट ए। नेक्स्ट, DAP में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 18%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, हार्टिकल्चर शब्द की से उत्पत्ति हार्टिकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है से हुई कुछ लैटिन भाषा के हार्टस प्लस कल्चर से हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फल फसलों का अध्ययन को कहा जाना जाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद की फसल है? ढेंचा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, खरीफ मौसम की फसल अरहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मृदा में सर्वाधिक जल धारण होता है? क्ले मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन को जाना जाता है मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, बहार एक प्रजाति है, बहार अरहर की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक हैं? भारत के पादप रोग विज्ञान के जनक ईजे बटलर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विटामिन ए अच्छा स्रोत है? विटामिन ए आम का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, फल अच्छे स्रोत हैं विटामिन एवं मिनरल के? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, लीची का खाने वाला भाग एरिल है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, केला के फल का प्रकार है बेरी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी दलहनी फसल है? मूंगफली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, IIPR स्थित है कानपुर में? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूरिया एक है, यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिंगल सुपर फास्फेट मुख्य स्रोत है सल्फर और कैल्शियम मैग्नीशियम तीनों का? ये सभी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा 12% होती है, कैल्शियम की मात्रा 19% और फास्फोरस की मात्रा 16% होती है। बंगाल महामारी का कारण हेलमिंथोस्पोरियम है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आयरिश फेमाइन किस वर्ष में दर्ज की गई थी? 1845। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आम का कुल है ना कार्डियसी, आम का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका है। नेक्स्ट, पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिका जेंथियन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंपोस्ट का कौन सा एक भाग नहीं है? यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, धान मटर गन्ना पेड़ी का चक्र है 4 वर्ष हमारी नज़र में है और 4 वर्ष ही होना चाहिए क्योंकि धन गन्ना का जो फसल चक्र घनता 50% होता है क्योंकि एक गन्ना को बोने के बाद इसकी कटाई खरीफ
रबी में होती है और खरीफ की फसल की बुआई नहीं ले कर पाते हैं, जिसके कारण इसको जो है 2 वर्ष गिना जाता है। इसीलिए इसकी फसल चक्र संघनता गिनने की 50% होती है। और इसमें धान मटर गन्ना पेडी का चक्र पूछ रहा है, तो धान मटर गन्ना बोएंगे फरवरी मार्च में, तो इसकी कटाई वही होगी फरवरी मार्च में, और पेड़ी भी इसकी कटाई होगी वही अक्टूबर में, तो खरीफ की फसल नहीं ले पाएंगे, जिस कारण इसका फसल चक्र 4 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हम इसका सही आंसर है। नाइट्रोजन रूप में ली जाती है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया के लिए उच्चतम तापमान है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है औसतन 38 होता है, और इसमें जो है 35 से 40 ऑप्शन में है, तो 35 से 40 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, लू जिस्मट रोग है, लू जिस्मट रोग इंतर आंतरिक बीज जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी एक मृदा जनित बीमारी है उगटा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आम भारत का राष्ट्रीय फल है, आम आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपोष्ण फल है पपीता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में मक्का की फसल बोई जाती है रबी एवं खरीफ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।